तो मित्रों आगे आप चलो यार, चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुन्ना मुन्नी का फोटो शूट चल रहा था। अबे तुम्हें कीचड़ ही मिला ऐसा फोटो शूट करने के लिए? तब यार मुन्ने से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, यानी कि मुन्नी को कीचड़ में गिरा दिया। मुन्नी बेचारी रोने लगी, बोलती है कि अबे मुन्ने राजा, तुमने तो मुझे पानी पानी कर दिया। ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा ना करे। मुन्नी ने उठने की कोशिश की लेकिन फिर से गिर गई। बेचारी क्या करे मुन्नी, उसकी सफेद ड्रेस का बिल्कुल किंचड़ कर दिया दूल्हे ने। मैं इसे कैमरे वाले से यही पूछना चाहता हूँ, मिल गई कलेजे को ठंडक? अब दिल खुश है ना, आ गया स्वाद, मुन्ना मुन्नी का अच्छा फोटो शूट किया तुमने। तो चलो मित्र यहाँ पर देखो, मुन्ना मुन्नी की शादी हो रही थी। मुन्ने के दोस्त आते हैं मुन्ने के लिए गिफ्ट लेकर। यार बहुत बड़ा गिफ्ट लाए हैं। तभी मुन्ने ने कहा कि चलो यार खोल कर देखते हैं आखिर ये कैसा गिफ्ट लेकर आए हैं। जैसे ही मुन्ने ने खोला, अभी ये तो मैरिज लाइसेंस है। दोस्तों मुझे आज पता चला कि शादी करने के लिए भी लाइसेंस लगता है। मुझे लगा कि ऐसी हो जाती है, लेकिन नहीं दोस्तों, पहले लाइसेंस बनवाना पड़ता है तब जाकर शादी होती है। अगर बिना लाइसेंस के शादी करोगे तो फलान कटेगा, अरे मेरा मतलब कि चलान कटेगा। और यहाँ पर देखो, अभी अभी मुन्ना और मुन्नी की शादी हुई है और विदाई हो रही है, लेकिन दुल्हन के भाई बहुत खुश हैं। बोलते हैं कि मुन्नी तू जा 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 यहाँ से निकल जा। देखो यार दुल्हन तो यार मन में यही बोलती होगी कि इतने सालों से मैं अपने घर में सांप पालती रही। अगर दोस्तों आपको भी किसी की विदाई देखकर हंसी आ जाती है तो यार नीचे कमेंट करके बताओ। और यहाँ पर देखो, मुन्ना था बिल्कुल सीधा साधा, लेकिन मुन्नी यार बहुत ही तेज थी। वो अपनी सहेलियों के साथ लगी स्टेज पर डांस करने आया है। दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस, यानी कि अपनी शादी में स्टेज के ऊपर सभी परिवार रिश्तेदार और सबके सामने देखो देखो कैसे डांस चल रही है, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। दोस्तों मुन्ना यही बोलता होगा, यानी कि दूल्हा यही बोलता होगा, हमारी मुन्नी तो बहुत तेज निकली, ये तो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके डांस करती है। अरे मित्रों अभी तो 2023 चल रहा है, ऐसे ऐसे डांस होने लगे हैं, अभी रुको दोस्तों, असली खेल अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखना यार लोग अपनी शादी में कैसे कैसे नाचते हैं। अभी मुन्नी की तरफ देखो, इसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी इतने बढ़िया लड़के से कैसे हो रही है, उसने मुझे आखिर कैसे पसंद कर लिया। देखो यार मैंने कहा इतना स्मार्ट था यार, मैं झल्ली टाइप की, मैं मैच्योर थी, सेंसिबल बंदा, मैं एकदम झल्ली, बचपन आया मेरा बचपन करती थी। बल्ले बल्ले यार मुन्नी तो बिल्कुल नली मतलब की बिल्कुल झल्ली टाइप की है, आखिर इसे इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आखिर किसी ने तो माना कि मैं झल्ली टाइप की हूँ और मेरा पति बिल्कुल बढ़िया है, वो मुझसे अच्छी बंदी डिजर्व करता था। आखिर किसी ने तो माना, नहीं तो मुन्निया बोलती हैं कि मैं ही सबसे बढ़िया हूँ। और यहाँ पर देखकर दूल्हे राजा अपनी मुन्नी रानी को बाटले में डाल के सर पर उठाकर ले जा रहा है। अबे ले जा फेंक दे किसी नदी में। इसे बोलते हैं अपनी पत्नी के नीचे लगना, यानी कि अपनी पत्नी को सर पर बिठाना। देख लो दोस्तों, सीख लो कुछ, ऐसे पत्नी का बोझ उठाना पड़ता है सर के ऊपर। और मुन्ने की तरफ देखो, जिंदगी बिल्कुल आपकी ऐसी हो जाएगी, इस दूल्हे ने अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया है। खैर छोड़ो, यहाँ पर देखो इस मुन्ने की शादी है और मुन्ना यार तैयार श्यार हो रहा है। और देखो बाजू को, अबे लगा दे पेंट लगा दे अच्छे तरीके से। अब मुन्ने भी पेंट लगाने लगे। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पेंट लगाने से कुछ भी नहीं होगा, एक बड़े से बाटले में पेंट को डालो, घोलो और दूल्हे को बीच में फेंक दो, और करीब आधे घंटे बाद दूल्हे को बाटले में से बाहर निकालो, दूल्हा बिल्कुल चमक उठेगा, सफेद सफेद हो जाएगा आजकल की मुन्नियों की तरह। बाकी दोस्तों आप हमेशा हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का, फॉलो कर लो सब्सक्राइब बटन को, उखाड़ फेंको।